Hey, so what's up everybody, this is the Road Scratcher. Welcome back to another video, another vlog. I hope sab badhiya honge, badhiya rehna. To aaj kuch cockpit alag lag raha hai. Haan, sahi hai, sahi hai. To jo mere new family members hain, unko main bata doon. Yes, this is my bike, this is my R15 V3, iska naam hai Lucy, aur fully modified hai. Iska maine aaj tak koi video dala nahi hai, bas jo फर्स्ट डिलीवरी ब्लॉग था उसमें बस देखा था आप लोगों ने, हो सकता है या फिर एक और ब्लॉग आया होगा उसके बाद, तो कोई इसमें ब्लॉग मैंने डाला नहीं क्योंकि तो उसके बाद थोड़ा ड्यूक का थोड़ा सा मॉडिफिकेशंस का वीडियो, ये वो सनराइड का वीडियो आ गया था, इसलिए मैंने कुछ डाला नहीं. तो गाइस आज का जो सीन ऐसा है, हम जा रहे हैं कुछ लेने के लिए. यस गाइस, आई एम गोइंग टू बाई अ न्यू राइडिंग जैकेट फॉर माई सेल्फ, क्योंकि एक्चुअली राइडिंग जैकेट से वैसा कोई पर्पस पे नहीं ले रहा हूँ कि टूरिंग के लिए चाहिए मुझे. संडे राइड वगैरह, नॉर्मल वगैरह राइड वगैरह रहते हैं, उधर भी थोड़ा सा जैकेट चाहिए क्योंकि भाई सेफ्टी इज टू मच इम्पॉर्टेंट. तुम अगर थोड़ा पैसा अभी एक बार में खर्चोगा ना, वो होपफुली, मैं ये नहीं बोलूँगा कि तुम अगर 130-150 पे गिर रहे हो फिर भी तुम्हें बचा लेगा, वो मैं कभी नहीं बोलूँगा. ऐसे भी हो सकता है कि तुम 50-40 में गिर के मर जाओ, बट हम क्या ही कर सकते हैं, हम थोड़ा सा खुद से सेफ्टी रख सकते हैं कि हाँ इससे हम थोड़ा सा बच सकते हैं, ये थोड़ा सा काम में आएगा. एज आई हैव अ गुड ग्लव्स, गुड हेलमेट, सो आई एम गोइंग टू बाई अ न्यू जैकेट विच विल बी ठीक ठाक बोल सकते हैं अपन. एकदम लो प्राइस में नहीं होगा, एकदम टॉप में भी नहीं होगा, मतलब अल्पाइन स्टार वगैरह भी नहीं होगा, बट ठीक ठाक, लाइक थोड़ा सा अच्छा खासा सेफ्टी दे सकता है. तो अभी मैं जा रहा हूँ कोलकाता, जहाँ पे मैं बातचीत हो चुका है मेरा, मैं जाके बस उठा के आ जाऊँगा. आज इतना पुलिस क्यों है पता नहीं, शायद से कोई आने वाला जाने वाला है, इसलिए आज बहुत सारा ज़्यादा ही सेफ्टी है. सेफ्टी बोल रहा हूँ, सिक्योरिटी. तो चलो निकलते हैं. और भाई बारिश का मौसम चल रहा है तो अपन राइड नहीं कर पा रहे गाइस. तुम लोग क्या कर रहे हो घर पे बताना, क्योंकि बारिश सब जगह पे हो रहा है. और तुम कहाँ से वीडियो देखते हो मुझे ज़रूर कमेंट बताना, जो जो मेरे वीडियो देखते हैं मुझे भी तो पता चले कि हमारे फैमिली मेम्बर कहाँ तक हैं. और अगर आपको चाहिए मेरे R15 में फुली एक मॉड्स का वीडियो कि मैंने इसको क्या कर रखा है, नहीं कर रखा है, कॉमेंट डाउन बिलो. वैसे ही मैं बनाने वाला ही हूँ, बट फिर भी आप भी बता दो. अरे रे रे रे, काला काला धुआं, कोई नहीं कोई नहीं, दिस इज़ वेरी नॉर्मल. सो गाइस वी आर हियर एट सेकंड ब्रिज, मतलब हुगली सेतु. जैसे आई थिंक सो ज़्यादा तो टाइम लगेगा, 10-15 मिनट लगेगा सिग्नल वगैरह जैम वगैरह नहीं मिला तो. सामने ही है मेरे घर से कुछ 14 किलोमीटर, मैंने मैप पे देखा था. ज़्यादा टाइम तो लगने वाला नहीं है, ज़्यादा टाइम ना लगे तो अभी अच्छा, क्योंकि बेफाज में बारिश में फंस फूस जाएंगे भाई, बेकार हो जाएगा क्योंकि बारिश तो रोज़ हो रहा है. इतने दिन बाद ड्यूक कुछ छोड़ के फीते चलने में इतना लग रहा है ना कि भाई कितना पावर ड्रॉप हो रहा है, कितना पावर ड्रॉप हो रहा है. लाइक अब तक ड्यूक तो पागल हो जाती है इतना थ्रॉटल में. लाइक जब मैंने पहली बार भीतरी चलाई थी तब मुझे भी लगा था भाई क्या पावर है, क्या पावर है. फिर धीरे धीरे उसका पावर में भी आदत आ गया था कि भाई ये तो नॉर्मल है, नॉर्मल है. उसका ड्यूक आई, मतलब अपनी काइजर आई, काइजर का जो फर्स्ट दिन या 1 वीक तक तुम बोल सकते हो, भाई मुझे बहुत डर लग रहा था चलाने में, क्योंकि फर्स्ट टाइम मैंने जो 300cc में चलाया, 400cc में. एक्चुअली जो मुझे आपको पता ही होगा कि मैं सेकंड लेने वाला था ड्यूक, फिर मैंने फर्स्ट टाइम ले लिया, न्यू ले लिया, बट सेकंड जब मैंने तब मैंने चलाया था, वो था मेरी लाइफ का फर्स्ट टाइम जब मैंने 400cc बाइक चलाई थी. तो भाई अलग पावर थी, BS4 ड्यूक थी वो, BS4 ड्यूक 390, बहुत पावर थी. फिर उसके बाद तो मैंने न्यू ही ले लिया. तो जब न्यू लिया भाई 1 वीक तक मेरा डर लग रहा था चलाने में कि खींचूँ ना खींचूँ, ब्रेक लगेगा कि नहीं लगेगा, बट ये अभी तक तो उसका भी आदत हो चुका है, एकदम नॉर्मल हो चुका है मेरे लिए. आज तो भाई इसका पावर बहुत कम लग रहा है, लाइक जो मेरा पावर हंगर है ना वो ये पूरा अभी नहीं कर सकती, पहले तो यही कर देती बट अब ये नहीं कर सकती, अब वो आ चुकी है काइजर के ऊपर, मतलब अपने ड्यूक के ऊपर. जाना है लेफ्ट और पता नहीं कितना घूमना पड़ेगा इधर इधर. राइट में कहीं पे शॉप था होपफुली. ओ ओ
खुद नहीं पहचान पा रही जाना किधर है। टर्न मारना पड़ेगा फिर। अरे कहाँ है यू टर्न? तोबा तोबा तोबा, हो जाता। अब बहुत घूम के आना पड़ेगा सिग्नल से शायद। गाइस हालत देख लो, फुटपाथ से लेके जाना पड़ रहा है शॉप का, ऐसी जगह पे है। मेरी काशा के शोरूम के एकदम बाजू में है। ये रहा काशा का शोरूम और ये रहा स्टोर। तो गाइस ऐसा कुछ लग रहा है, अभी देख सकते हो। एंड डीएसजी रेस प्रो V2 एल साइज है मेरा, क्योंकि एल साइज है मेरे को। कैसा लग रहा है ब्रो? थोड़ा फूला फूला सा लग रहा है, थोड़ा सा फूला लग रहा है, वो कुछ नहीं कर सकते मैं तो। और गाइस इधर आप देख सकते हो बूट्स वगैरह आपको मिल जाएंगे, शूज़ मिल जाएंगे और जैकेट्स वगैरह अल्पाइन सर और डीएससी में मिल जाएंगे। और मैम एक बार शॉप का नाम बता दीजिएगा आपका, थोड़ा जोर से बताना। परफॉर्मेंस गेयर। और लोकेशन? लोकेशन आपको 22 एजीसी बोस रोड नियर बेग बगान आपके कावासाकी के ठीक पास में। ठीक, तो गाइस इधर देख सकते हो। और किस किस लाइक आप कंपनी में लाइक ब्रांड्स में रखते हो? जैकेट्स में हम लोग कावासाकी के रखते हैं, डीएससी के रखते हैं, अल्पाइन सर के रखते हैं। और हेलमेट्स वगैरह? हेलमेट्स एक्सोर एसएमजी AGB रखते हैं। ओके, तो देख सकते हो एकदम फुल प्रीमियम काइंड ऑफ स्टफ्स। ये कुछ भी कुछ लिया नहीं, फ्लेक्स मार रहा है। ऐसा अपना भी है। ये रहा शोरूम जहाँ से मैंने जैकेट लिया, एकदम कावासाकी के बाजू में। और ये रहा कुंतल प्लस 07, इधर देख सकते हो 9N भी रख रखा है। और ये रहा कावासाकी शोरूम, उसके एकदम बाजू में ही है। तो चलो गाइस अभी अपन निकल रहे हैं इधर से, क्योंकि हमारा काम तो हो चुका है। एकदम हमारा एक ही काम था, जैकेट लेना, वो तो ख़त्म है। पहन ले तो, हेलमेट पहन ले। सॉरी, इसका मुंह देखो, जो छुचुंदर होता है ना छुचुंदर, उसका ऐसा मुंह नहीं लग रहा है इसका। ये देखो इसका मुंह देखो एक बार, देखो छुचुंदर जैसा मुंह लग रहा है। देखो ये देखो छुचुंदर स्टाइल मार रहा है। कौन सा ये? ये 1000 लिखा आता है शायद से। अभी एक साइड में कर दिया, आई डोंट नो, बस साइड में एक साइड में कर दिया। पहले तो दोनों साइड में एग्जॉस्ट होता था। ब्रो ड्रीम ब्रो, ब्रो 10R, हाँ ये तो टूरिंग सेगमेंट में आता है ना, वो स्पोर्ट्स सेगमेंट में आता है पूरा। ये स्पोर्ट्स टूरर है, ये तो स्पोर्ट्स टूरर है, वो एकदम टूरिंग सेगमेंट है, वो एकदम स्पोर्ट्स सेगमेंट आ जाता है। ट्रैक बाइक जैसे यू टर्न कहाँ से मिलेगा? तो गाइस वी आर गोइंग टूवर्ड्स आवर होम, हो चुका है शॉपिंग। आई डोंट नो भाई क्या अनवांटेड ये नॉइज़ आ रहा है भाई, बाइक से इतना बुरा लग रहा है ना मेरे को। इतने दिन बाद निकाला है और कोई रास्ता भी नहीं देखो, कि मेरे ड्यू की अभी थोड़ा सा काम होने के लिए रखी है।
हमारी कायदा फिर गई है गैराज, जैसे कुछ काम हो रहा है एग्जॉस्ट का, तो इसको ही निकालना पड़ा बेमजबूरी में। बट जब बाहर निकाल के आए तो अब पता चला कि भाई इसमें इतना आवाज़ आ रहा है, तो अभी कुछ कर भी नहीं सकते, इसलिए चल दिया। अभी जाके कल ट्राई करूँगा लेके जाके इसको दिखाने का कि इसका इशू क्या आ रहा है। अरे अंकल अंकल चाबी दो, क्या मार दो, क्या मार दो, मार दो, मार ही दो, फेर ही दो हमको, सिस्टम फाड़ दो तुम। भाई साहब ये क्या एक्सीडेंट हो गया, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है उधर हुआ क्या है। अच्छा भाई पीछे कुछ गाड़ी वगैरह नहीं था भाई, वरना क्या ही हो जाता। मैं तो भाई थोड़ी देर में चुप हो गया, हुआ क्या उधर, मैं मुझे बस ये दिखा आई थिंक सुबह कुछ बॉल से गिरा है, वो बॉल वगैरह कोई खेल रहे थे ना उससे गिरा है होपफुली, आई थिंक उनको चोट ना आया भाई। क्या दिखा है 1000 RR, आई थिंक कहीं पे डिलीवर वगैरह कुछ हो रहा है होपफुली। भाई क्या प्यारी लग रही है ना ग्रीन कलर के ऊपर, होपफुली ये हीरोदा का बाइक है। हाँ अरे हीरोदा का बाइक ऐसा है, उनका ही 1000 RR था जो नियॉन कलर में रैप हुआ था, हीरोदा का बाइक है। भाई क्या प्यारी लग रही है ना, भाई साहब जैम 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 जैम। चलो गाइस ये जैम देखा आपका कुछ फ़ायदा तो है नहीं, तो इस ब्लॉग को इधर एंड कर देता हूँ मैं। और अगर आपको कोई जैकेट डाइंग कुछ क्वेश्चन हुआ कमेंट बताना, मैं उसको आपको रिप्लाई कर दूंगा। और अगर आपको रिव्यू ब्लॉग चाहिए कि जैकेट का रिव्यू क्या है क्या नहीं है, ऐसा अच्छा जैकेट है कि नहीं, कम्फर्टेबल एंड ऑल, तो वो भी मुझे जरूर कमेंट करना, मैं रिव्यू एक ब्लॉग बना दूंगा। तो इस ब्लॉग को ज्वाइन करते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू अगेन, साइनिंग ऑफ।